नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेपरे टाइम मध्य प्रदेश समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार। हम सर से जानेंगे कि छतरपुर का क्या इतिहास है, किस तरह से छतरपुर की स्थापना की गई है। हम सर से पूरा जानेंगे सर, किस तरह से छतरपुर की स्थापना की गई है, उसके इतिहास के बारे में बात करें। क्या क्या छतरपुर के बारे में जो ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, महाराजा छत्रसाल जिनकी राजधानी उस समय महिवा में थी, यहाँ जहाँ आजकल छतरपुर नगर है, यहाँ पर घनघोर जंगल था और घनघोर जंगल के बीच में एक स्वामी लालदास जी संत यहाँ रहते थे, जहाँ आजकल बड़ा तालाब है, लालनी के नाम से शुरू होती है। और इसलिए उनकी प्रेरणा से एक बार हुआ क्या, हमारा छत्रसाल शिकार खेलते खेलते यहाँ पर भटक गए थे और भीषण उनको प्यास लगी, तो उनको बाबा लालदास की कुटिया में वो गए और बाबा लालदास ने उनको पानी पिलाया। उन्होंने उनसे एक वरदान आश्वासन मांगा कि स्थान को आबाद कर दीजिए। हमारा छत्रसाल ने उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से आपके आशीर्वाद से हम आबाद करेंगे। और ये घटना संवत 1764, जिससे ईसवी सन के हिसाब से सन 1707 की बात है, वैशाख शुक्ल नवमी के दिन हमारा छत्रसाल ने जहाँ आजकल राजमहल बना है वहाँ करके यहाँ पर ज्ञाति फावड़ा से इसका स्थापना की और शुरुआत की थी। तो इस तरह से छतरपुर शहर उस समय हमारा छत्रसाल ने ही बसाया, इसीलिए उसका नाम छत्रपुर रखा गया था। और महाराज 6 साल के बाद आप देखेंगे छतरपुर शहर में जो अनेक शासक रहे, शुरुआत में बुंदेला वंश के शासक रहे, कालांतर में दूसरे शासक आए, दूसरी डायनेस्टी आई, परमार वंश की डायनेस्टी आई। यहाँ पर जो तालाब हैं, जल प्रबंधन है, यहाँ के संस्थान हैं, यहाँ के धार्मिक स्थल हैं, नगर के चारों ओर आप देखें कि आस्था के प्रतीक के तौर पर चारों शहर के चारों छोरों पर हनुमान जी के मंदिर विराजमान ने कहा करते हैं कि उनकी रक्षा करने के लिए हैं। पश्चिम में हनुमान टोरिया है, पूर्व में अनगढ़ की टोरिया है, यहाँ मोटे के महावीर हनुमान जी हैं। आप यहाँ पर उत्तर की ओर जाएंगे तो फरंगी पछाड़ के हनुमान जी हैं। इस तरह से चारों ओर से ये सारे प्राचीन स्थल यहाँ के हैं। ये कुछ देवियों के मंदिर भी प्राचीन स्थल से, एक फूला देवी का मंदिर मिलता है वो सबसे प्राचीन है, एक मरई माता का मंदिर महलों के पास मिलता है ये बहुत प्राचीन है। इस तरह से देखें कि एक आस्तिक शहर की यहाँ पर चारों ओर से, और जो मूल शहर है जो बसाया गया बड़ा साइंटिफिक ढंग से स्थापत्य से बसाया गया था, जिसके चित्र हमने जो आज़ादी के पहले के चित्र देखने को मिले हैं, तो महलों से लेकर चौक बाजार का स्थान है आप देखें, बाजार बिल्कुल आरामदा व्यवस्थित ढंग से ग्राहकों के लिए बरांडे थे, चौड़ा रोड था, उसके पीछे दुकानें थी। वो कालांतर में आज जो संकरापन आगे आई पहले नहीं था। और इन्होंने महाराज छत्रसाल ने अपने क्षेत्र के आसपास के लोगों को यहाँ बुला करके वैश्य परिवारों को, अन्य परिवारों को बसाया था। मूल छतरपुर जो आज है, चौक बाजार जो आपका जैन मोहल्ला, परवारी मोहल्ला है, तमराई मोहल्ला है, शुक्लाना मोहल्ला है, गल्लामंडी का परवारी परकोटा तथा उसके अंदर का पूरा शहर मूलतः छतरपुर शहर था। और उन्होंने छत्रसाल की ये कंसेप्ट थी कि सभी जातियों के, सर्वधर्म सर्व समाज के लोगों को समावेशी दृष्टि से यहाँ पर उन्होंने बसाया है। तो ये महाराज छत्रसाल ने नगर बसाया, उसको आबाद किया। और लगातार 6 साल जी जब तक जिंदा रहे, उनकी लगातार इस नगर के प्रति उनका स्नेह रहा, क्योंकि उनको उन्होंने नई राजधानी पन्ना बना लिया था। तो जब वो पन्ना जाते थे महिवा से, पन्ना से महिवा जाते थे, जो आजकल चौक बाजार में जो चबूतरा है जहाँ पर स्मारक बन गया, वहाँ 6 साल लोग महाराज बैठते थे, वो चबूतरा था, वहाँ पर बैठ करके वो लोगों की न्याय करना, पंचायत सुनना, ये सारी चीज़ें परंपरा से यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो ये छत्रसाल जी ने नगर बसाया, बहुत प्राचीन नगर है और शहर का इसने बहुत सारे अच्छे दिन देखे और अच्छे दिन देखे, मैं ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। हमारे इतिहास के कोई गौरवपूर्ण क्षण भी हैं जो यादगार? इतिहास के बहुत सारे गौरवपूर्ण क्षण शहर ने देखे होंगे। हमारी जो अवस्था है उस अवस्था की दृष्टि से देखते हुए कई शहर के हम ही ने देखे। यहाँ पर हमने गंगा जमुनी तहजीब के तहत, आपको आश्चर्य होगा 30-40 साल पहले जो कवि सम्मेलन होते थे, लोग रात रात भर बैठ करके यहाँ पर कवि सम्मेलन, चाहे डिपो का कवि सम्मेलन होता हो, चाहे रामचरित मानस में होता हो, चाहे नगरपालिका का सम्मेलन होता हो, मुशायरा भी जो लगातार होते थे उनका रात भर देखते थे। रामलीला के मंचन के संदर्भ में वो दिन याद आते हैं कि लोग रामचरित मानस मैदान में नाश्ता भोजन करने के पहले ब्यारी बनती थी तो फट्टा बैठ के आगे बैठ जाते थे कि भाई वहाँ पर बैठ कर देखना है। शुरुआत में मतलब आपको 40-50 साल पहले की बात है, लोग लक्ष्मण शक्ति का संवाद देख करके लोगों की आंखों से आंसू की धारा बहती हमने यहाँ पर शहर में देखी है। तो ये कुछ ऐसे अध्यक्ष क्षण। इसके अलावा शहर ने सरस्वती पुस्तकालय का 2005 में शताब्दी वर्ष मनाया, ये बड़ा वो था। आपने आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग, श्रीनिवास सुप्री जी का शताब्दी समारोह मनाया गया, उनका अभिनंदन ग्रंथ निकाला गया, तो सुदर्शन जी का आना एक अपने आप में बड़ी घटना थी। महाराज छत्रसाल का जो स्टैचू स्थापित करने के लिए अर्जुन सिंह जी आए, सुंदरलाल पटवा उस समय आए जब हमारा अपना जो ट्रस्ट का भवन बना। तो ये कुछ स्थल ऐसे थे। यहाँ पर जो स्टेडियम बाबूराम जी के नाम से बना है,
ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, बाबूराम जी के नाम से स्टेडियम बनना, क्योंकि सबसे पुराना शिक्षण संस्थान जिसे महाराजा कॉलेज कहते थे आज विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, ये भी एक गौरवपूर्ण क्षण था। यहाँ पर पूरे अंचल के लोग पढ़ने आते थे और लगातार जो बनारी टूर्नामेंट होता था वो भी अपने आप में ऐतिहासिक रहा है और एक शिक्षक के नाम पर होने वाला ऐतिहासिक टूर्नामेंट था, लोग लगातार बैठते थे देखते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे स्थल हैं, बहुत सारे ऐसे क्षण हैं जिससे छतरपुर को गौरवान्वित करने के लिए हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये शिक्षा का जगत का भी और व्यापार जगत का भी, आपको व्यापार जगत की दृष्टि से देखें तो उस अंचल का बहुत से महत्वपूर्ण शहर है। आप महोबा से लेकर के यहाँ बिजावर पूरे जिले के आते हैं, टीकमगढ़ महोबा पन्ना का व्यापार केंद्र भी छतरपुर है, ये कहना। आजकल तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी अच्छे चिकित्सक जो हैं हमारे शहर में हैं, अच्छे से अच्छे सर्जन, तो पूरे क्षेत्र लगातार निगाहों की नज़र से, या कहें कि ऊर्जा का केंद्र है, बुंदेलखंड का लाइट हाउस है छतरपुर, तो अतिशयोक्ति नहीं है। धन्यवाद सर। आज की जो युवा पीढ़ी है वह महाराजा छत्रसाल और छतरपुर के इतिहास को नहीं जानती है, तो हम लोगों को आज की युवा पीढ़ी को किस तरह से जागरूक करना है? इसके लिए नहीं जानती है, इसके लिए जानती है तो लोगों को किस तरह से? युवा पीढ़ी की तो गलती है, उससे ज्यादा गलती हमारी है, उसके लिए पूरा तीन स्तर का आप समझ सकते हैं। अभिभावक भी जिम्मेदार है, टीचर भी जिम्मेदार है और बच्चे भी जिम्मेदार है। कारण क्या है कि हमारे पास जिस पीढ़ी से हम लोग हैं, हमारे पास कमाई करने से बच्चों के लिए समय नहीं बचा है। हमने ये मान लिया कि बस की बच्चों को स्कूल भेज दिया और हमारा दायित्व की तीसरी हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा के संस्कार परिवार से मिलते हैं, भाषा के संस्कार परिवार से मिलते हैं, तो परिवार में लोक कथाएं थी, लोक गाथाएं थी, सारी चीज़ें हैं उसमें। छतरपुर शहर भी ना केवल शहर बल्कि घर का, वंश का, कुल का, गोत्र की, ये शिक्षा कहीं स्कूलों में नहीं मिलेगी, ये आपको घर से ही देना पड़ेगी। तो ये हमको कहीं ना कहीं अपनी पीढ़ी को आगे विरासत में देना है, तो छतरपुर शहर के संदर्भ में तो ये होना चाहिए। दूसरा क्या हुआ है कि शिक्षा में हम अंग्रेजीकरण की और अंग्रेज परस्त हो गए हैं और लगातार कॉन्वेंट स्कूलों के माध्यम से स्थानीयता को लेकर के, भारतीयता को लेकर के बिल्कुल तरह से कट गए हैं। तो इसके तीसरा कारण मीडिया, जो लगातार मीडिया का आना और मोबाइल से चिपके रहना। गूगल बाबा का जो ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान नहीं है, वो भी मनुष्य के द्वारा लवण है, अधकचरा ज्ञान है, कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इसके लिए हम सबको मिलकर के ऐसे दायित्व निर्वहन करना चाहिए कि शहर में कार्यक्रम हो, कॉम्पिटिशन्स हो, या सिलेबस में भी डाला जाए। पहले हमें ध्यान है जब मैं प्राथमिक शिक्षा भी रहा हूँ, क्या भूगोल में स्थानीय जिले का भूगोल पढ़ाया जाता था, अब आजकल पता ही नहीं जिले का भूगोल क्या है, तहसील कितनी है, ब्लॉक कितनी है, शिक्षा क्या है। तो शिक्षा के पाठ्यक्रमों में भी हमें छतरपुर शहर का, अपने स्थानीय तहसील का, अपने घर का, बुंदेलखंड अंचल को कहीं ना कहीं भाषा के स्तर पर और ज्ञान के स्तर पर डालना चाहिए, तो हम नई पीढ़ी को परिचित करा सकेंगे। तो हमारे साथ थे प्रोफेसर बहादुर सिंह परमार सर, जिन्होंने महाराजा छत्रसाल और छतरपुर के इतिहास के बारे में बताया है। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी छतरपुर।